अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार अली। आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स, जो आपने देखी होगी अक्सर जॉब्स की टेस्ट में है। हमारे पास जो मैथ्स दी जाती है वो बिल्कुल बेसिक होती है, वो 8th क्लास तक की मैथ्स होती है। आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं वो बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले जो इसका बुनियादी उसूल है मैथ्स का, वो हम देखने जा रहे हैं, वो है डीमास रूल। स्टूडेंट्स देखें, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स अब देखें, हमारे पास अक्सर एक्सप्रेशंस दी होती हैं जिनमें डिवाइड भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, प्लस P और माइनस P। तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है। तो आज स्टूडेंट्स हम आपकी वो कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं, इसलिए आइए देखिए कि किस तरह हम इस रूल को यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, 3 - 3 डिवाइड बाय 3 + 3 × 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें डिवीजन को सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इन दो टर्म्स के दरमियान डिवीजन अवेलेबल है, तो जब देखें 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 1। तो यानी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इन दो टर्म्स की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया 1 को। अब देखिए स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन सेम का सेम ही हमने लिख लिया। देन स्टूडेंट्स देखें, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन इन दो टर्म्स के दरमियान मौजूद है, तो 3 × 3 = 9। ये देखिए स्टूडेंट्स, 3 - 1 + 9। देन स्टूडेंट्स देखिए, हमें क्या करना है, एडिशन। अब देखें स्टूडेंट्स, एडिशन के लिए दो टर्म्स तो चाहिए, और वो दोनों टर्म्स क्या होने चाहिए, प्लस के होने चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमें देखने जाना है कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके आगे प्लस की साइन है। अब देखें, इसके आगे कुछ भी नहीं, तो यानी प्लस, ये माइनस का टर्म है और ये भी प्लस का, यानी ये दो टर्म्स हमारे पास प्लस के हुए। तो 9 और 3 हमारे पास कितने हुए, 12, यानी कि 12 - 1। अब देखें स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए 12 में से 1 जब माइनस किया हमने तो आंसर हुआ हमारे पास 11। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो भी डिफ़िकल्टी हो ना वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन हो वो ख़त्म की जाए। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3 × 6 - 42 / 7 = ? अब देखिए स्टूडेंट्स, वही रूल फॉलो करना है, पहले तो हमने करनी है डिवीजन। अब देखिए स्टूडेंट्स, 42 और 7 के दरमियान हमारे पास डिवीजन अवेलेबल है। अब ये देखें, ये 42 और ये 7, 7 × 6 = 42, ये रिमाइंडर 0, यानी कि इन दो की जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना है, 6 को। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 × 6 - 6। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स देखें, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। 3 × 6 = 18 - 6। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या फॉलो करना है, एडिशन। क्या एडिशन के लिए दो पॉजिटिव नंबर्स अवेलेबल हैं, एक ये प्लस का है, ये माइनस का, तो यानी कि एडिशन तो हमने कर दिया ओमिट। लास्ट स्टेप स्टूडेंट देखें, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए स्टूडेंट्स, दो टर्म्स होने चाहिए। देखें, ये पॉजिटिव का टर्म है और ये नेगेटिव का टर्म है। अब देखिए, 18 में से 6 जब हमने माइनस किए तो हमारे पास आंसर कितने हुए, प्लस के 12। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, परेशान नहीं होना मैथ से, जो भी कन्फ्यूजन हो ना ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब देखें क्वेश्चन 3, 150 - 100 / 20 × 10। अब देखिए स्टूडेंट, वही रूल, पहले क्या करनी है, डिवीजन। तो देखें, 100 को जब हम 20 के साथ डिवाइड करेंगे, ये देखें स्टूडेंट, ये 100 / 20, 0 0 से कट, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी कि 150 - 5 × 10। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, क्या फॉलो करना है, सेकंड स्टेप मल्टीप्लिकेशन, 5 × 10 = 50, माइनस का 50। उसके बाद क्या करनी है, एडिशन। क्या दो नंबर हैं जो प्लस वाले हों, ये प्लस का है, ये माइनस का, यानी कि एडिशन हमारे पास यहाँ पे भी क्या हो गया, ओमिट। लास्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन, 150 में से जब हमने 50 माइनस किए तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 100 होगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था।
स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो जो वीडियोस मैथ्स की अपलोड होती जाएं आपके पास वो पहुंचती जाए। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।